नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान सीतापुर के डीपीआरओ मनोज कुमार जी हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि गांव की सरकार को एक आदेश ने कितना मजबूत बना दिया है। अब गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यों का भुगतान गांव की अपनी ही जो सचिवालय है, जिसको मिनी सचिवालय कहते हैं, वहीं पर हुआ करेगा। ये बड़ी बात है और बड़ा ऑर्डर है। सीतापुर में 1599 ग्राम पंचायतें हैं। आने वाले दिनों में भुगतान पाने के लिए गांव की सरकार को जो भटकना पड़ता था अन्य कार्यों के लिए, जो उन्हें चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उनके सारे कार्य अपने ही सचिवालय में यानी ग्राम सचिवालय में हो जाया करेंगे। तो जो नया ऑर्डर आया है और क्या इससे लाभ होने वाला है, इसके लिए हम बैठे हुए हैं आज और डीपीआरओ सीतापुर के मनोज कुमार जी, उनसे जानेंगे कि सर, ये जो नया ऑर्डर आया है, इससे ग्राम पंचायतों को कितनी सुविधाएं मिलने वाली हैं और कितने मजबूत बनने वाले हैं गांव की सरकार के मुखिया। इसमें हम बता दें आपको कि ग्राम पंचायतों में सरकार की योजनाएं हैं कि हर एक ग्राम पंचायत में जो सचिवालय बना हुआ है उसको काफ़ी सशक्त किया जा रहा है। इसी के क्रम में पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई थी। वो पंचायत सहायक वहाँ पे सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक बैठते हैं। और ग्राम पंचायत में एक चीज़ और किया गया है कि ग्राम पंचायत में भुगतान के लिए पंचायत गेटवे लाया गया है। पंचायत गेटवे एक जियो लोकेशन लेता है ताकि इसे ये पता चल जाता है कि ये भुगतान हुआ है वो ग्राम पंचायत से हुआ है या कहाँ से हुआ है। तो इसी के तहत अब हम लोगों ने पंचायत गेटवे को सभी ग्राम पंचायतों में इंस्टॉल करवा दिया है। लगभग हमारे पास 1599 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें से हम लोगों ने 78% काम पूरा कर लिया है। ग्राम पंचायतों में गेटवे इंस्टॉल हो गया है तो वो एक ग्राम पंचायत के लिए एक मिनी सचिवालय के रूप में काम किया जाएगा और उसी के माध्यम से सारी योजनाओं को, उसी के माध्यम से सारे भुगतान को, जितने भी अन्य कार्यक्रम चलेंगे उसी के माध्यम से चलेंगे और ग्राम वालों को इसकी सुविधाएँ मिल पाएंगी। अगर बात करें पंचायत जो गेटवे है, पहले नहीं हुआ करता था, तब ये भुगतान कैसे होता था और क्या क्या दिक्कतें आती थी? इसमें होना यही चाहिए था कि ग्राम पंचायत से ही ये भुगतान हो, लेकिन ये होता था कि कहीं एक बल्क नंबर में कहीं पे बैठ करके डोंगर लगा करके ये भुगतान कर लिया जाता था और ग्राम पंचायत स्तर पर उस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती थी या ब्लॉक पे ही वो सारी चीज़ें हो जाती थी या किसी साइबर कैफे में बैठ करके कभी भी भुगतान कर दिया जाता था। तो सरकार ने इन सारे चीज़ों को पारदर्शी बनाने के लिए इस गेटवे का इस्तेमाल किया है कि जहाँ पे पंचायत गेटवे के माध्यम से ग्राम पंचायत में ही भुगतान किया जाएगा तो सचिव वहाँ अनिवार्य रूप से जाएंगे, प्रधान वहाँ रहेंगे, उनको ये पता रहेगा कि पंचायत गेटवे से भुगतान होने पे किस चीज़ के लिए भुगतान किया जा रहा है और कितना भुगतान किया जा रहा है। तो ये थोड़ी पारदर्शी हो जाएगी सरकारें और ग्राम पंचायतें और मजबूत हो जाएंगी इससे। बिल्कुल, तो ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी और जो पंचायत गेटवे की नई व्यवस्था लागू की गई है अब उसको अमली जामा पहना रहा है पंचायत विभाग सीतापुर का और काफ़ी हद तक सफलता भी पा ली है। आने वाले दिनों में जो इससे जुड़े हुए कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग देने के बाद जो ग्राम पंचायतें हैं उनको सशक्त मजबूत बनाया जा रहा है। ये बताइए कि जैसे ग्राम पंचायतों में ये गेटवे व्यवस्था जब लागू होगी, पंचायत गेटवे, तो इससे भुगतान के अलावा भी आने वाले दिनों में क्या और भी सुविधाएं ग्रामवासियों को मिल सकेंगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ इसमें है। ये तो पंचायत गेट पे एक भुगतान के लिए हो गया कि भुगतान वहाँ पे ग्राम पंचायत में सचिवालय में होगा। इसके अलावा वहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं रहेंगी, पंचायत सहायक वहाँ बैठेंगे तो ग्रामवासियों को किसी भी योजना से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही हैं, उसके कौन से लाभार्थी हैं और किसको इस योजना का लाभ दिया गया है और किसे आगामी वर्षों में दिया जाएगा, ये सारी चीज़ की डिटेल वहाँ पे ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहेंगी, जिससे वहाँ पे सारे लोगों को जो सरकार की योजनाएं रहती हैं ये सारे ग्राम पंचायत स्तर पे ही उन्हें प्राप्त हो जाएंगे, उनको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी सरकार जो चाह रही है कि सरकार आपके द्वार पे पहुंच चुकी है, उस चीज़ को साकार करने के लिए ग्राम पंचायत में इस सचिवालय की स्थापना किया गया। बिल्कुल, तो गाँव की सरकार अब शायद आने वाले दिनों में जो भटकती थी यानी जो जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालयों पर जाया करती थी उसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके अपने यहाँ का जो ग्राम सचिवालय है वो इतना मजबूत, इतना पारदर्शी बनाया जा रहा है कि कंप्यूटर की एक क्लिक से सारे लाभार्थी ये जानकारी जुटा सकेंगे कि कौन कौन पात्र हैं और कौन कौन लाभार्थी हैं। सारी जानकारियाँ आपको अपने गाँव में बैठे हुए मिल जाया करेंगी।
इसी उद्देश्य से ये ग्राम सचिवालय बनाए गए थे, पंचायत मित्रों की नियुक्तियां की गई थी और अब उस पर अमल होना शुरू हो गया, यानी उनसे काम लेना भी शुरू हो गया है, जिसकी एक बहुत बड़ी कड़ी ये कही जाएगी। अभी तक ये माना जाता था कि जो विकास कार्य होते थे वो कहीं से भी बैठकर डूंगल से पेमेंट हो जाया करते थे, लेकिन जब ये पंचायत गेटवे लागू हुआ तो क्या सर अब इससे लोकेशन भी पता चल सके कि कहाँ से भुगतान हुआ, सरकार की भी इस पर नज़र रहा करेगी? हाँ जी बिल्कुल, इसमें पहले ई ग्राम स्वराज से जो भुगतान होता था, अब इसमें पंचायत गेटवे की एक साइट है, आप वहाँ से जाके भुगतान करेंगे तो वो लोकेशन ले लेता है कि ये भुगतान कहाँ से किया गया। इससे सरकार को स्पष्ट पता हो जाएगा कि ग्राम पंचायतों में सचिवालय पूर्ण रूप से स्थापित और संचालित है या नहीं है। इसी चीज़ को लागू करने के लिए सरकार ने इस चीज़ को लाया है, इसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हो रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए काफ़ी हद तक सफलता मिल गई, यानी 78.42 यानी 78.42% अभी तक इस पर काम हो चुका है और लगातार कार्य जारी है। आने वाले दिनों में ये निश्चित तौर पर 100% यानी जो 1599 ग्राम पंचायतें हैं अब उनका भुगतान, वहाँ के विकास कार्यों का भुगतान वहाँ के ग्राम प्रधान उसी पंचायत भवन से डूंगल लगाकर अपना भुगतान कर लिया करेंगे और भी तमाम जो जानकारियाँ हैं उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उनके अपने ग्राम पंचायतों में हो जाया करेंगी। तो सरकार की जो मंशा थी गांव की सरकार को मजबूत बनाना और सरकार को द्वार द्वार तक पहुंचाना यानी घर घर तक पहुंचाना, अब वो कहीं ना कहीं अब फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो नई योजना है वो कितनी प्रभावी और कितनी कारगर होती है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। और फिलहाल इसमें नेटवर्क की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी कि जो गांव का नेटवर्क है सर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आपने देखा होगा, आप जिला मुख्यालय पे हैं, बहुत बार ब्लॉकों पर मामला अटक जाता है, तो ये तो गाँव का मामला है, तो ऐसे में नेटवर्क भी कहीं ना कहीं बाधा बन सकता है। हम लोग इसके पे भी काम किए हैं, हमने सीडीओ सर से बात करके इस चीज़ में जो BSNL वाले अपना जो फाइबर कनेक्शन दे रहे हैं ग्राम पंचायतों में, उसमें भी उन लोगों ने बताया लगभग 450 ग्राम पंचायतों में पहुंचा दिए हैं, और उनकी ये था कि अगर जो ग्राम पंचायतें इसके लिए उत्सुक रहेंगी तो हम सभी ग्राम पंचायतों में इसको पहुँचाएंगे। तो सर हम लोगों की कोशिश है कि ये जो 450 से बढ़ करके हमारे से 1599 ग्राम पंचायतों में फाइबर नेटवर्क चला जाएगा तो हमारे लिए ये समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, तो नेटवर्क की दिशा में भी बड़ा काम हो रहा है ये भी जानकारी है, और अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर गाँव में बहुत कुछ बदलाव जो देखने को मिलेगा वो ये नई व्यवस्था लागू होने के बाद। तो फिलहाल गांव के वासियों के लिए ये अहम खबर है और इस अहम खबर को हम लोगों के यानी हमारे दर्शकों के लिए साझा किया है DPRO मनोज कुमार जी ने। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।